गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अनदर एक्सेल की एक वीडियो के साथ फिर से हमारी एक बार मुलाकात हो रही है। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें गाइज। आज की इस स्पेशल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास में आई विल प्रोवाइड यू कंसेप्ट ऑफ गोल सीक, यानी कि आज मैं आपको गोल सीक सिखाने जा रहा हूँ और साथ के साथ मैं आपको सॉल्वर भी सिखाऊंगा। बहुत अमेजिंग चीज़ है, आराम से देखिए, आराम से समझिए इसको। 5 से 7 मिनट की वीडियो, 8 मिनट की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको करेंगे और इसमें आई विल प्रॉमिस यू कि इसमें कंसेप्ट आपका इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि फिर आप कभी इसको नहीं बोलेंगे। सो गाइस, तो बात करते हैं यहाँ पे गोल सीक की। तो टारगेट अचीव करने के लिए फ्यूचर एस्टिमेशन, फ्यूचर में हम उसको यूज़ करते हैं। देखिए, मैंने डेटा बनाया है, क्लास 10th का एक डेटा है जिसमें प्री बोर्ड के मार्क्स दिए गए हैं। ये स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथ, साइंस, इको, संस्कृत, इंग्लिश, ये उसके मार्क्स मिले हैं। तो गोल सीक को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सम का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू सम और यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये टोटल हमारा ये देखिए कितने आए, 600 में से 414 नंबर आए हैं। यानी कि अब मुझे क्या करना है कि गाइज, मेरे हिंदी में बिल्कुल मार्क्स ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें मेरे इको में बहुत कम है मार्क्स, 46 हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा गाइज कि मैं 414 से मुझे टारगेट जो लेकर जाना है वो लेकर जाना है 435 का, ओके। तो मैं कैसे इसका यूज़ करूं और कैसे इकोनॉमिक्स में मैं कितने मार्क्स लेकर आऊं, मैं इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स लेकर आऊं कि मेरा जो टोटल है वो 414 से वो मेरा कितना हो जाए, 435 हो जाए। इट मींस ये मेरा क्या हो गया, टारगेट, गॉट इट। तो गाइज, आइए जरा इसको समझते हैं अच्छे से। लेकिन ध्यान रखिएगा, सम का फॉर्मूला आपको ज़रूर लगाना है। आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा रिबन टैब पर आना है। इसके बाद व्हाट इफ एनालाइज आपको यहाँ पे एक टैब मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सिनेरियो मैनेज, मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल, ठीक है। डेटा टेबल की आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं, पूरी की पूरी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें गोल सीक में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए तीन चीजें आपको दिखाई देंगी, बहुत सिंपल। कह रहा है सेट सेल, सेट सेल कौन सा है जी, ये वाला 414, ओके। टू वैल्यू, इसकी वैल्यू कहाँ तक लेके जानी है, 435 तक, ठीक है। और कह रहा है बाय चेंजिंग सेल, तो वो कौन सा सेल है, तो ये रहा हमारा 46 और आपको इसे क्लिक करके जस्ट ओके कर देना है। ये लीजिए गाइस, अगर इसमें 67 अगर मैं मार्क्स लेकर आता हूँ इकोनॉमिक्स में, तो मेरा जो है वो 435 का टारगेट अचीव हो जाएगा। अब गाइस, इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे समझू कि भाई मेरा टारगेट जो है वो 520 है और मैं यहाँ पर इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, इसमें मैथ में मैं कितने मार्क्स लेकर आऊँ कि मेरे जो टारगेट है 435 से 520 हो जाए और मुझे और कईयों में भी चेंजेस करने हैं। अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें थोड़ी सी क्या मिस्टेक होती है। देखिए गाइस, ये ही हमारा सेट सेल है, राइट। वैल्यू कहाँ तक लेके जानी है, 520 तक बाय चेंजिंग सेल। तो अगर मैं यहाँ पर ये इतने ले लेता हूँ भाई, मुझे ये चारों में चेंजेस करना है, मैं ओके करता हूँ। देखिए कह रहा है रेफरेंस मस्ट बी टू अ सिंगल सेल, एक तो ये चीज। इसके बाद दूसरी बात करें भाई, मुझे इसमें करना है सॉरी तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या हो गया 150। तो यहाँ पे हमारे सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए करेंगे सॉल्वर। और सॉल्वर के लिए मैं आपको लेके चल रहा हूं यहाँ पे अलग से, राइट। यहां एक फॉर्मा लगा लेते हैं, इज इक्वल टू सम, सॉरी, ये मैंने यहां पे फॉर्मा लगा लिया। नाउ सॉल्वर देखिए यहां पे आपको शो नहीं हो रहा, इसको हमें ऐड करना होता है। तो फाइल बटन में चलते हैं, फाइल बटन में यहां पे आपका ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन में आपको सॉरी गाइस, यहाँ पे एड इंस दिखाई देगा आपको। तो एड इंस में देखिए यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना है और सॉल्वर एड इंस पे क्लिक करना है, राइट। तो जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, ये आपका डेटा रिबन टैब में यहां पर लास्ट में जो है एड हो जाएगा, दिस वन। देखिए
अब मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरा टारगेट जो है वो 520 है, लेकिन मुझे इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब में मुझे चेंजेस चाहिए, राइट? मेरा टारगेट क्या है? 520, चलिए 540 कर लेते हैं, नॉट एन इश्यू। तो देखिए यहाँ पे सॉल्वर में चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, ये पूरी स्क्रीन आएगी, इसमें आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। सेट ऑब्जेक्ट, सेट ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वन, ये मेरा सेट ऑब्जेक्ट है। कह रहा है मैक्स मीन या वैल्यू, वैल्यू कहाँ तक जाएगी इसकी? तो वो वैल्यू इसकी जाएगी हमारी 540 तक, 540। बाय चेंजिंग सेल, तो किन किन चेंज सेल में चेंजेस करना है, तो यहाँ पर आप इस तरह से ले सकते हैं, राइट? या मान लीजिए भाई मुझे ये दोनों लेने हैं, उसके बाद यहाँ पे आप कोमा लगा दीजिए, आपको ये लेना है तो ये इस तरह से, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है अगर मैं इसको यहीं पे ओके कर देता हूँ तो गाइज ये तो पहले जैसा ही हो जाएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड यानी कि कंडीशन ऐड करेंगे, राइट? जो जो चीजें हमने यहाँ पे ली हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये दोनों चीजें ली थी, ये लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए, राइट? ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और एक कंडीशन मैंने जो ये वाली ली थी, ये भी मेरा कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 100। और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे मेरी जो कंडीशन है ये यहाँ शो हो जाएंगी। देन इसके बाद जैसे ही आप इस पे सॉल्व पे क्लिक करोगे, लीजिए गाइस, और ओके कर देता हूँ, तो देखिए गाइस यहाँ पे 100 100 100 ये हो गया, इससे आउट ऑफ नहीं हुआ, और ये हमारा जो रिजल्ट है इसने क्यों, क्योंकि इसमें जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हमारे से क्या हो गया है, एक्स कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हो गया, क्योंकि वो 600 में से 540 बाकी के रिमेनिंग कैसे एडजस्ट करेगा, राइट? तो हम फिर से करके देखते हैं, मैंने यहाँ पे 46 85 42 35, ठीक है, और यहाँ पे मैं 88 इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है? अब मुझे सब में ही चेंजेस करने हैं और मेरा टारगेट जो है वो 540 रहेगा, राइट? तो चलिए फिर से समझते हैं सॉल्वर, देखिए सारी चीजों को हटाने के लिए यहाँ से आप क्या करेंगे, रीसेट ऑल और ओके कर दीजिए। सेट ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वन 384 वाला, ठीक है, और मैं यहाँ पर जो मेरा टारगेट है वो है मेरा 540। एंड बाय चेंजिंग सेल, अब मैं यहाँ पे सारे सेलों को ले लेता हूँ, भाई मुझे सब में चेंजेस चाहिए और एक एक करके लेने की जरूरत नहीं है। अब ऐड करेंगे तो जब कंडीशन लगाएंगे तो या तो एक एक करके लगाइए, कोमा करके लगाइए, या यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ कंस्ट्रेंट में जाइए और यहाँ पे 100 दे दीजिए, देन ओके जैसे ही आप करेंगे और ये आ जाएगा, और इसे सॉल्व पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए गाइस ये लीजिए आपकी वैल्यूएशन बिल्कुल सही आ गई। होम रिबन टैब में जाइए और इसको ठीक कर लीजिए यहाँ से इस तरह से, डन। तो लीजिए गाइज ये हमारा इस तरह से गोल सीक एंड सॉल्वर हमारा यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। मेरे चैनल पे अकाउंट्स, इनकम टैक्स, टैली, बिजी, एक्सेल, एडवांस एक्सेल और पॉलिटेक्निकल साइंस की सारी ऑल वीडियोस अवेलेबल हैं, माइक्रोसॉफ्ट की, वर्ड की। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी।